की खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 17 वर्षीय दलित नाबालिग से रेप किया गया है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के गंदागंज थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र स्थित गांव में बीती 2 जून को जब किशोरी अपने घर का काम कर रही थी, किसी काम से वो रात के 10 बजे घर के बाहर कुछ देर के लिए निकली थी, जहां पहले से ही मौजूद गांव के रहने वाले 2 युवक मुकेश और प्रशांत सिंह ने नाबालिग का मुंह दबाकर जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मैं बैठे थे और जब उठे तो 2 लड़के मुंह बंद करके उठा ले गए, बगल में एक बगिया है वहाँ पे ले गए और रखे थे वहाँ पे। फिर गलत काम किए, एक घूम रहा था, एक गलत काम किया, फिर छोड़ के चले गए थे। फिर हम घर आ रहे थे, फिर डर के मारे सब लोग जान गए थे, डर के मारे घर के अंदर नहीं गए, फिर बाहर सुन रहे थे थोड़ी देर, फिर वापस चले गए दूसरी बाग में, गाँव के बाहर में। किस्सा है, हमारी लड़की पेशाब करे निकली, हम सो गई, जाना नहीं। उसके बाद जब जाना तो ढूंढने निकले सब गांव टोला वाले लड़के हमारे, सब आसपास ढूंढा, कोई कहीं मिली नहीं। सुबह 4 बजे जब ये लड़के छोड़े तो एक जेठानी का लड़का भट्ठा पर जात रहा, वह देखे तो इसको 5 बजे